द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लेबनान की सीमा में जैसे ही इसराइली सैनिक दाखिल हुए, हिजबुल्ला ने पूरे के पूरे क्रू के साथ टैंक को उड़ा दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे के पूरे क्रू के साथ। इस क्रू में एक दर्जन से ज्यादा लोग थे दोस्तों, सैनिक थे इसराइल के, और ये इसराइल के लिए गहरी चोट है। कैसे हिजबुल्ला ने इसे अंजाम दिया, आपको सब कुछ बताऊंगी। सिर्फ बताऊंगी ही नहीं, हिजबुल्ला द्वारा इसराइल को इस गहरी चोट देने का वीडियो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से निशाना साधकर हिजबुल्ला ने इसराइल के दर्जन से ज्यादा सैनिकों को साफ कर दिया। एक तरफ हिजबुल्ला की ताकत साफ नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इसराइल लेबनान युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव खुद दे रहा है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। कल लेबनान युद्ध खत्म करने के लिए इसराइल द्वारा घुटनों पर आने की खबर आई, और आज इसराइल और हमास की जंग रुकवाने की उम्मीद से अमेरिका के विदेश मंत्री इसराइल पहुंचे हैं। वहीं यमनी सशस्त्र बलों ने भी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इसराइल पर हमला किया है, उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। बिना किसी देरी आपको हिजबुल्ला के उस हमले के बारे में बताते और दिखाते हैं जिसने इसराइल को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अरे ये क्या हो गया। बताने से पहले दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो है। ये तस्वीरें, ये वीडियो लेबनान बॉर्डर का है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि टैंक के नजदीक 8 इसराइली सैनिक खड़े थे, और तभी हिजबुल्ला ने गाइडेड मिसाइल हमला कर सैन्य वाहन सहित इसराइल के 8 के 8 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हिजबुल्ला ने ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी किया है। रविवार की यह घटना है, लेकिन आज हिजबुल्ला ने घोषणा की कि उसने 2 इसराइली सेना के मरक्वा टैंक और उनके दल को तबाह कर दिया जब वे लेबनान की सीमा में दाखिल हुए। दोस्तों, हिजबुल्ला ने ड्रोन हमले के जरिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, और आईडीएफ ने भी अपने 8 सैनिकों की मौत की बात को कबूला है। आईडीएफ का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ अभियान के दौरान उसके 8 सैनिक शहीद हो गए। आईडीएफ ने यह भी बताया कि उसके कैप्टन भी मारे गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हिजबुल्ला के इस हमले से पहले ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में इसराइल ने अपने 7 नागरिकों को अरेस्ट किया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार उन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की और उनके लिए सैकड़ों काम किए। ये आरोपी हाइफा या फिर उत्तरी इसराइल के रहने वाले हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि इसराइल ने खुद ही लेबनान युद्ध खत्म करने की पेशकश की है और व्हाइट हाउस को अपनी मांगे भेजी है, अपनी शर्तें बताई हैं, जिसके पूरे होने पर वो लेबनान युद्ध खत्म करने पर विचार कर सकता है। हालांकि दोस्तों, जो शर्तें उसने बताई है वो पूरी होना ना के बराबर है, यानी कि नामुमकिन है, क्योंकि उसकी शर्तों से ये साफ है कि वो हिजबुल्ला को लेबनान से निकलवाना चाहता है। इस खबर के सामने आने के एक दिन पहले यानी कि रविवार को हिजबुल्ला 8 इसराइली सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका था, और अब खबर आई है कि मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे हैं। एंटनी ब्लिंकन इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से 11वीं बार इसराइल पहुंचे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के हमास के शीर्ष नेता यहाया सिनवार की हत्या के बाद संघर्ष विराम के प्रयासों को फिर से शुरू करने की अमेरिका की उम्मीदों के बीच शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करने की संभावना है। अमेरिकी विदेश मंत्री और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक की तस्वीर भी सामने आई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इस बीच पत्रकार अनस अल शरीफ ने उत्तरी गजा पट्टी से रिपोर्ट की है कि हैरिस बाइडन प्रशासन इसराइल के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर जनसंहार कर रहा है। सोचिए, जब अमेरिकी विदेश मंत्री इसराइल हमास जंग रुकवाने की उम्मीद से बात करने के लिए इसराइल पहुंचे हैं, इस बीच ये रिपोर्ट अमेरिका के दूसरे चेहरे से पर्दा उठाती है। ये दिखाती है कि किस तरह से पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका जन नरसंहार में इसराइल का साथ दे रहा है, लेकिन दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो युद्ध विराम चाहता है, वो चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो जाए। ये दिखावा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, इसीलिए उसके विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे हैं दोस्तों, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम
युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसराइल खुद युद्ध नहीं रोक रहा है। आपको बता दूं कि ब्लिंकन के इसराइल पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही मंगलवार को हिजबुल्ला ने मध्य इसराइल में कई रॉकेट दागे, जिससे देश के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में सायरन बजने लगे। इसराइली सेना ने बताया कि लेबनान से उसके देश में 5 रॉकेट दागे गए और ज्यादातर को इसराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। एक रॉकेट एक खुले इलाके में गिरा। इसी दौरान लेबनान की ओर से उत्तरी इसराइल में करीब 15 और रॉकेट छोड़े गए। सुबह सुबह हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में हमला करने की तस्वीरें भी सामने आई है, जो आप स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे होंगे। वीडियो और तस्वीरों में ऑफ्रिम नामक बस्ती पर मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। एक तरफ हिजबुल्ला इसराइल को गहरी चोट दे रहा है, तो दूसरी तरफ अब यमन भी लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। यमनी सशस्त्र बलों ने बयान जारी किया है कि 22 अक्टूबर 2024 को उन्होंने ज़ायोनी दुश्मन के कब्जे वाले जाफा तेल अवीव के पूर्व में स्थित सैन्य ठिकानों पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके हमला किया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपकी कुछ राय है तो वो भी कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से आप हर रोज वाकिफ हो सके। मुझे इजाजत दीजिए, और हाँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शब्बा खैर, खुदा हाफिज। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।